ये देखें पराठा बन चुका है। यो आमना जी प्रमोट हो गई है। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जी तैयार हो चुकी हूँ, आज आमना का रिजल्ट है, उधर जा रहे हैं और बस बाकी सबको नाश्ता दूंगी और फिर आमना इब्राहिम को उठाती हूँ क्योंकि वो अभी सो रहे हैं, और नाश्ता वगैरह दे के तो उसके बाद ऐसे करती हूँ, सारे छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी टाइम नहीं है तो बहुत देर हो रही है, तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन में मैं आ गई हूँ और मैंने आपके पानी रख दिया था और इसमें मैंने इलायची डाल दी थी और चाय जी बनने जा रही है क्वेटा दूध पत्ती के साथ, ठीक है। और सुबह सुबह नाश्ता आपको पता है कि बनाना होता है, और चीज़ें मैंने सारी निकाल ली हैं वो मैं दिखाती हूँ क्योंकि ये इलायची जी तकरीबन पक चुकी है, पानी देखें ऐसे ब्लैक डिश की किए जा रहा है। तो इसमें जी 2 टेबल स्पून, क्योंकि सुबह हमारी थोड़ी सी चाय ज़्यादा बनती है, इसलिए जी मैं 3 टेबल स्पून ना इसमें डाल रही हूँ पत्ती के, और थोड़ी सी इलायची बस मैंने पहले ऐड कर दी थी। और पहले इलायची भी मैंने ये चीज़ जितने भी होगी ही ऐड की, ठीक हो गया। क्यावा बन जाएगा तो फिर इसके अंदर जी दूध ऐड कर दूँगी, दूध की मलाई वगैरह मैंने उतार दी है पहले ही। और मुकद्दस के लिए जी बनने जा रही है ब्रेड, और मैं भी ब्रेड लूँगी और दादू भी ब्रेड लेंगी क्योंकि रात को हमने खाना बहुत लेट खाया था इसलिए। और ब्रेड भी हम जी बनाएंगे देसी काऊ घी के साथ, और अंडे मैंने देसी निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये भी मैंने वॉश करके इधर रख लिए हैं। ब्रेड मैंने कहा सबसे पहले गर्म कर लेती हूँ और एग इकट्ठे फिर फ्राई कर लेती हूँ। मुकद्दस क्योंकि ऊपर अपने रूम में स्टडी कर रही है, और अमना भी अभी सो रही है, अमना को भी मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा एक दफ़ा मैं ज़रा नाश्ता बना लूँ ना तो फिर मैं उनको उठाती हूँ और तैयार करती हूँ। हालांकि आगे रेगुलर रूटीन में तो साथ ही में उठा लेते हैं ये जी। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी, तकरीबन सभी चाय लेते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा, और मलक साहब तो 2 कप लेते हैं, 1 कप अभी लेंगे, 1 कप फिर शॉवर लेंगे तो उसके बाद लेंगे। नाश्ते के साथ 1 कप होता है और 1 कप जी होता है उनका शॉवर लेने के बाद। और ब्रेड भी गर्म हो चुकी है, और ये जी चमचे देखिए कल मैंने इधर रखी हैं और मैंने रोटी रात को बनाई है तो ये सारा जो आटा ना वो इन चमचों के ऊपर पड़ गया, और बस ये अंदा से नज़दीक नहीं रखनी बस। बस जी ये अब देसी काऊ घी लेंगे 1 स्पून में, और इस तरह से करके ना थोड़ा थोड़ा, ताकि ना अगर पराठा नहीं लेना तो कम से कम थोड़ा सा देसी घी किसी ना किसी तरीके से बच्चे की डाइट में आपने लाजमी शामिल करना है। ठीक है, अब इस साइड से भी लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर वो वैसे भी हैवी हो जाती है, खाई नहीं जाती है। ये देख लें ऐसे थोड़ी थोड़ी बस करके तो इसको तो जी मैं उतारूँगी फिर। बाकी साहब के लिए जी एग बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मलिक साहब ज़रा चेंज चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साथ में हनी दे दो। ये देखें पराठा बन चुका है, और कैसे मतलब
का होता है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी देसी काऊ घी डाली एक टेबल स्पून इस तरह से करके, ठीक है, क्योंकि गर्म गर्म रोटी के ऊपर ही ये खाने में अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये कैसे हनी जाएगा। और मुकद्दस ने आज थोड़ा सा जल्दी जाना है, अंकल ने उसके जल्दी आना है क्योंकि उनका पेपर जल्दी स्टार्ट होगा और जल्दी ही उन्होंने वापस आ जाना। अच्छा जी, ये ऐसे नॉर्मल ना जैसे वो मतलब ऐसे ज़रा ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा कोई ब्रेड वगैरह हो तो फिर मैं किसी बाउल में डाल कर उनको देती हूँ, लेकिन जब मतलब उन्होंने पराठा लेना हो तो फिर साथ में इस तरह से वो साथ में हनी ले लेते हैं। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मतलब सब उठती हैं। ये जी जब आपको देर हो रही हो एक दफे पे डाल दें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आ गई हो गई, अब बहुत देर हो रही है। ठीक है, ये देखिए एक बन गया था, तो सबको जल्दी जल्दी से नाश्ता देगी। मैंने कहा वो ब्रस में थोड़ा सा पहले रीड कर रही थी, अपना याद कर रही थी और कह रही थी मामा एक दफा रिपीट कर दूँ सारा। और ये जी जो मैंने मसाला बना कर रखा हुआ था, ये देखिए जल्दी जल्दी से बस निकाला और अंडे के ऊपर आप फ़ौरन से डाल लें इस तरह से। इसमें असल में डाला हुआ होता है ज़ीरा, जिसकी वजह से ना मैं वो नमकदानी जैसी होती है ना उसके अंदर मैं इसलिए नहीं डालती हूँ। तो ये चाहो ना ज़रा सब करना, ये बाबा को पहले देखिए और अम्मी को, पहले बाबा को देखो। ये जी चाय भी मैंने डाल दिया, अब ये चाय एक दफा उनको दे लो। ये चाय इधर आओ, मैं अपने निक्के बलूंगलों को देख लूं, मेरे निक्के बलूंगले क्या कर रहे हैं, मम्मा की जाने क्या कर रहे हैं, उठ के अच्छा मनिकु गुड मॉर्निंग, आज स्कूल जाना है अम्मा, आज स्कूल जाना है चप्पच बोले मम्मा की जान तो एक ही है, मम्मा की जान, मम्मा की जान तो एक ही है, देख ले जी है जी है, जी है मम्मा की जान। ये जी दोनों अमना आज स्कूल जाना है, जाना है, चलो उठ जाओ उठो। मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, मलिक साहब भी शॉवर ले रहे हैं तो उसके बाद काम साहब तैयार श्यार होकर ना जब निकलने लगेंगे ना फिर मैं आपके साथ वो क्लिप शेयर करती हूँ। इब्राहिम, ये जी इब्राहिम भी रेडी हो गया और अब्बा जी भी रेडी हो गए, और ये अमीना भी रेडी हो गई है। ये जी देखिए अमीना, अमीना बहुत खुश है। अमीना आप खुश हो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, अमीना जी बहुत ज्यादा खुश है। जरा मनु भी दिखा देना, आज अमीना का रिजल्ट है और उधर जा रहे हैं और दुआ कीजिएगा इसका अच्छा रिजल्ट आए। तो अगर उधर कोई क्लिप शूट किया गया तो आपके साथ शेयर करूंगी, अगर नहीं तो फिर मैं आपके साथ आके ना फिर मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ इसका। ठीक है, तो आप जी हम निकलते हैं, काफी देर हो गई, टाइम देख लें 8:30 हो गए। अमना
जी देखिए आमना बैठी हुई है, आमना इधर आओ। शॉर्टकट के ज़रिए हम ज़रा जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि सुबह के टाइम पे सटला टाउन में बहुत ही ज़्यादा रश होता है। कॉलेज स्कूल आपको पता है कि कितने ज़्यादा यहाँ पे हैं, और जहाँ पे आमना का स्कूल है वहाँ पे तो बहुत मेन रोड के ऊपर कोई 5 से 6 कॉलेज और स्कूल हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। और हम ज़रा जल्दी आ गए थे क्योंकि मलिक साहब ने काम पे भी जाना था। मैं आपको इनका ऑफ़िस दिखाती हूँ, और ये देखें जी ये ऑफ़िस है प्रिंसिपल का, और मुझे यह बहुत प्यारा लगा था। और प्रिंसिपल ने ये अपने हाथों से सारी चीज़ें बना के तो लगाई हुई थी, और ये स्पेशली पेंटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने यहाँ पे क्लिप शूट कर लिया था। और बहुत अच्छे से मतलब ना उन्होंने अपना ऑफिस सेट करके रखा हुआ था, मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी थी। और स्कूल भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था क्योंकि रिज़ल्ट था, और हमने जी आमना का रिज़ल्ट ले लिया था। और अब बस बच्चे थोड़े से झूले ले रहे थे तो मैं खड़ी हो गई थी, इब्राहिम स्लाइड नहीं था छोड़ा। ये जी बस रिज़ल्ट ले लिया है और अब जा रहे हैं हम वापस। और धूप देखें आज तो ऐसी धूप निकली हुई है, वही आज मैंने जी सारे अपने बिस्तर सुखाने हैं, इतनी अच्छी धूप है। मैंने कहा एक दफा ना सारी अपनी पेटियां शेटियां खाली करके ना उनको हवा शवा लगवाते हैं बिस्तरों को सारे, बस अब घर जाके ना वही करना है। थोड़ा से पहले चाय वगैरह पीऊंगी, बच्चों को लिटाऊंगी क्योंकि इनको नींद आई है, रात को भी ये बहुत लेट सोए थे। तो आमना भी पीछे, आमना अच्छा है ये जी, आमना का साथ में रिजल्ट है, इसने अपना रखा हुआ है और लुक्स भी ले लिया आमना की। ये जी देखिए आपको नजर आ रही होंगी, नींदी आई है सोने। घर पहुंचे थे तो हेल्पर भी आ गई थी, और हमने मिलके सबसे पहले तो पेटियां खोली और सारे बिस्तर वगैरह धूप में बिछाए। मैंने कहा शाम तक जरा धूप लग जाए। इंडिपेंडेंस डे पेपर्स हो गए हैं खत्म, और आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ क्योंकि मैंने काफी हालात खराब किए हुए थे अपने पिछले पूरे हफ्ते, उसके बावजूद मेरी स्किन जो है अभी भी बहुत फ्रेश है। क्योंकि पेपर्स में हम लोगों को ज्यादा ये इश्यू होता है कि हम नींद अच्छी नहीं लेते, मतलब टाइम ही नहीं होता पढ़ना होता है, उसके बाद आपकी डाइट का ख्याल नहीं होता, पानी इतना नहीं पीते, और वो सब फैक्टर्स की वजह से ना स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मेरी स्किन तो बहुत ज्यादा डल हो जाती थी और फिर बहुत सारी एक्ने भी आ जाती थी, तो उसके लिए इस बार मैंने काफी ज्यादा कोई इतनी मेहनत नहीं की एक्सेप्ट फॉर के मैंने थोड़ा सा पानी ज्यादा पिया है। और दूसरा यहाँ पे मैंने यूज किया है कि चिल्टन प्योर की टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग जेल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हाथों पे मेरे पेंसिल के थोड़े थोड़े निशान हैं, अभी मैं पेपर दे के आई थी। और ये है जी ग्लाइकोलिक और हाइलुरोनिक एसिड के साथ, ठीक है, मतलब कि मॉइस्चराइजिंग भी होगी भरपूर, और ये मतलब उस तरह जेल नहीं है जिस तरह आप सोच रहे होंगे कि लगा के कोई वॉश करना होगा, कोई मास्क नहीं है, ये लिटरली एक मॉइस्चराइजर है। मैं आप लगा के दिखा भी देती हूँ इसे, ये इतना जबरदस्त मॉइस्चराइजर है ना, और ये आपकी स्किन को येलो भी नहीं करेगा। ये थोड़ा सा इसमें हिंट है मॉइस्चराइजर में कि ये थोड़ा सा येलो है। तो टर्मरिक इसमें तो जी आपकी एक्ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी एक्ने के लिए इवन के यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, ड्राई स्किन के लिए। और इरिटेशन भी हुई होती है ना आपकी स्किन के ऊपर तो अक्सर आप प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है क्योंकि इसमें टर्मरिक है तो आप इसे इरिटेटेड स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन जख्मों के ऊपर नहीं लगाना, थोड़ी सी इरिटेटेड स्किन आपकी हल्की फुल्की उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लॉन्च हुई है। मैंने की काफी सारी प्रोडक्ट्स ट्राई की थी और जब मैंने ये देखी तो मैंने इसे स्पेसिफिकली ऑर्डर किया क्योंकि मुझे ये बहुत यूनिक लगी, ठीक है। और इसमें हाइलुरोनिक और ग्लाइकोलिक एसिड भी है आपकी स्किन को स्पेसिफिकली मॉइस्चराइज करने के लिए, मॉइस्चर को अंदर लॉक करने के लिए। और मैं भाई इसे ट्राई कर चुकी हूँ, मेरी तरफ से बहुत शदीद किस्म की अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया है, ठीक है। और मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगी आप सुबह शाम लगा सकते हैं, और ज्यादातर बेहतर है कि रात को सोने से पहले लगाएं। ये जी आमना का रिजल्ट है, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। माशाल्लाह बाकी सारे आमना ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, बस ओरल में थोड़ा सा इशू है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे तो इस साल वो भी जरा कवर हो जाएगा। जो इसके मास्क वगैरह मतलब कटिंग हुई है ना ज़्यादा वो ओरल में ही हुई है। नेक्स्ट क्लास में आमना जी प्रमोट हो गई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये साथ में उसके पेपर हैं। आमना का जी रिजल्ट का भी मैंने आपको दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव इसके अंदर रिस्पॉन्स आया है। ओरल में है थोड़ा सा प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।